हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा रही है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। दर्जनों लोग बारिश के इस कहर में जहां जान गंवा बैठे हैं, वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बिल्डिंग जमींदोज हो गई है, तो वहीं भूस्खलन से बड़ी बड़ी इमारतें और पूरे के पूरे गांव खतरे में हैं। जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत भाटगढ़ में भी इसी तरह खतरा खड़ा हुआ है, जहां भूस्खलन से स्थानीय ग्रामवासी राम सिंह के मकान सहित आधे गांव को खतरा बना हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्थानीय ग्रामवासी राम सिंह का कहना है कि बारिश के कारण उनके घर के आगे भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से उनके मकान पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन जल्द मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें राहत प्रदान करे, ताकि गाँव का खतरा भी टल सके। नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत भाटगढ़ भीम सिंह बात कर रहा हूँ। हमारी यहाँ एक गांव गिरी है, जिसके लिए हमें बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ा है। रास्ते बंद हो गए और घर के लिए भी खतरा है, और सारे गांव वाले रात जागनी यहाँ बड़ी मुश्किल हो रही है। गांव के लिए बहुत खतरा है। आपसे निवेदन है कि आप भी आकर यहाँ देखें कि हमें कितना खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस हिसाब से निवेदन करते हैं कि इस गांव के लिए, इस गांव को रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय सोचा जाए। और ये खान बहुत बड़ी गिरी हुई है।